दुआओं की इस भीड़ में एक दुआ हमारी भी, दुआओं की इस भीड़ में दुआ हमारी भी, रब से मांगी है हमने हर खुशी आपकी, रब से मांगी है हमने हर खुशी आपकी। जब भी दिल से मुस्कुराओगे आप, हम समझेंगे दुआ कबूल हुई हमारी दुआ। राष्ट्रवादीचे युवा आमदार रोहित पवार यांचा वाढदिवस रोप फाउंडेशनच्या वतीने विविध उपक्रमाने साजरा करण्यात आला। राष्ट्रवादीचे नेते महेश कोटे यांच्या हस्ते सोलापुरातील 500 गरजू महिलांना यावेळी मदत वाटप करण्यात आली आहे। रोप फाउंडेशनच्या वतीने गरीब गरजू आणि निराधारांना मोफत धान्याचं किटचं वाटप करण्यात आलं। गरीब विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचं वाटप देखील यावेळी करण्यात आले। हा कार्यक्रम महापालिकेतील ज्येष्ठ नेते महेश कोटे आणि काँग्रेस नेते सुधीर खरटमल, राष्ट्रवादीचे प्रांतिक सदस्य प्रशांत बाबर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला। यावेळी काँग्रेस पक्षाचे नेते सुधीर खरटमल, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रांतिक सदस्य प्रशांत बाबर, इफ्तिकार तुळजापुरे उद्योजक तथा रोप फाउंडेशनचे संस्थापक नजीब शेख, अजमल शेख, अल्पसंख्याक अध्यक्ष गफूर शेख आदींची प्रमुख उपस्थिती होती। साहित्य वाटप रखा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पुण्य का काम है। एक अपने ने जिसको चाहते हैं नेता बोल के, वो नेता के वार्ड दिवस कैसे मनाना चाहिए ये नजीब भाई से सीखना जरूरी है। लोग दिन काटते हैं, बड़े बड़े सिर्फ फटाकड़े उड़ाते हैं, बाकी कुछ कुछ ये करते हैं, शोबाजी करते हैं, लेकिन नजीब भाई ने यह सब कुछ नहीं किया। एक सादा हॉल है, साने गुरुजी जैसा झोपड़पट्टी के एरिया में है, और इस एरिया में इधर के जो अपने गरीब लोग हैं उनको साहित्य देने का उन्होंने भी प्रोग्राम किया। मैं तो बोलता हूँ ऐसे बड़े लोगों के वार्डियो तो रोज आना चाहिए, है क्या नहीं? तो हमारे को कोई फिक्र ही नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे अगर वार्ड दिवस इस तरह से मनाया जाए तो आप लोगों को भी खुशी होगी कि नहीं? तो आप दुआ देंगे कि नहीं नजीब भाई को? जरूर देंगे ना। आज कुछ इलेक्शन के मौके पर उन्होंने ये प्रोग्राम नहीं रखा है। अभी इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन अभी होती है या और 6 महीने आगे जाती है पता नहीं है। अगर 6 महीने आगे गई तो 1 साल के बाद इलेक्शन, 10 महीना के बाद इलेक्शन हो जाएगा। आज उनको वो इच्छुक है कि नहीं मुझे पता नहीं है, उनको टिकट मिलेगा क्या नहीं वो भी उनको पता नहीं है, फिर भी कुछ तो देना है। जो समाज से मैं आया हूँ वो समाज का कुछ मेरा देना है, और ये ख्याल रखते हुए उन्होंने आज का एक प्रोग्राम रखा है, वो ज्यादा।